हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी अगर आपको टेस्ट के वीडियोज देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं टेस्ट की वीडियोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, R37 प्रकार का शवाधान का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, R37 प्रकार का शवाधान का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है। आंसर सोचने का, अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये जो है हड़प्पा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। और ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? दूसरा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है आपका। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? तीसरा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है? तो इसमें देखिए शाक्य भी आपका शामिल है, लिच्छवी भी शामिल है, मल्ल भी शामिल है, ऑप्शन डी वाला, यानी कि ये सभी शामिल हैं प्रारंभिक गणतंत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? फोर का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं और यहाँ पे कुछ शासक के नाम हैं। तो गौमती पुत्र के अभिलेख को नासिक के नाम से जाना जाता है, खारवेल के हाथी गुम्फा के नाम से जाना जाता है, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे है और यहाँ पे भित्री दिया गया है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख को जो है एहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एहोल अभिलेख के नाम से, और यहाँ पे भित्री दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें, यहाँ पे क्या है, इन यात्रियों में से किसने विजयनगर समाज में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था? किसने किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पांचवा का राइट आंसर क्या होगा? इन यात्रियों में से किसने विजयनगर समाज में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था? तो इसमें निकोलो डी कांटी ने किया था, नूनिश ने भी किया था, बारबोसा ने किया था, ये तीनों किए थे, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग किस क्वेश्चंस में। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं वो हैं शिवानंद। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे कौन? भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे कौन? सेवन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी। तो इसमें देखिए शामिल सरदार पटेल तो थे, अरुणा आशापल्ली थे, राम मनोहर लोहिया थे, भीमराव अंबेडकर नहीं थे भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। तो यह जो है घोषणा की गई थी अगस्त 1917 में, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? नौवा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसमें जो है सुमेलित नहीं है। तो
इसमें देखिए सुमेलित नहीं, ये वाला लॉर्ड वेलेजली यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे तित्री मैसूर युद्ध दिया गया है। तित्री मैसूर युद्ध के समय जो है लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली दिया गया है। तो ऑप्शन बी वाला आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे बांस तो असम में पाया जाता है, ठीक है, और यहां पे रोजवुड भी केरल में पाया जाता है, देवदार हिमाचल प्रदेश में, चंदन यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया गया, जो कि चंदन जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता है। तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रमा अनुसार सजाएं, सही कालक्रमा अनुसार सजाएं, सभी लोग 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बाघ प्रोजेक्ट। तो देखिए बाघ प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाथी परियोजना, तो हाथी परियोजना नहीं होगा। उसके बाद मगरमच्छ परियोजना, क्योंकि हाथी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में, ठीक है। यहाँ पे मगरमच्छ परियोजना है, तो मगरमच्छ परियोजना जो है 1975 में हुई थी, ठीक है। तो पहला ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, 1, 3, 2 ऑप्शन बी वाला आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति जो है भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और प्रथम स्थान किस राज्य का है इस जनजाति में? तो मध्य प्रदेश का, ठीक है, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं? वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो वो राज्य पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के साथ, मतलब 3 देशों के साथ लगती हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वो कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश हो गया आपका, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। इन्हीं तीनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से लगता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमाएँ, ठीक है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। रोहतांग दर्रा है, सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, सभी लोग 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ योजना है और उनके प्रस्तावक हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉम्बे प्लान है, तो बॉम्बे प्लान के प्रस्तावक हैं JRD टाटा। कौन है? JRD टाटा। उसके बाद जन योजना के प्रस्तावक हैं MN रॉय। कौन है? MN रॉय। उसके बाद गांधीवादी योजना के प्रस्तावक हैं नारायण अग्रवाल। कौन है? नारायण अग्रवाल। उसके बाद सर्वोदय योजना के जो प्रस्तावक हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। तो इसका देखिए ऑप्शन बी वाला मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगला प्रश्न, स्टैगफ्लेशन स्थिति है किसकी? स्टैगफ्लेशन स्थिति है किसकी? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्टैगफ्लेशन स्थिति है किसकी? ये जो है स्थिति है गतिरोध और मुद्रा स्फीति की, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी कब? काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी कब? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी नवंबर 2004 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था
इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते चलेंगे और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 30 में से अगर आपका 18 प्लस स्कोर जाता है तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है, 20 प्लस स्कोर आप लोग एग्जाम में करके आएंगे। तो 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? इसको लिखे थे सर एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का किस तिथि को हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था माय डियर फ्रेंड्स वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे शॉर्टकट में एनडीसी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे तो यही थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान के अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद द्वारा? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस संविधान किस अनुच्छेद द्वारा? तो ये जो है दी गई है अनुच्छेद 27 के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? तो इनकी जो सेवा निवृत्ति की आयु है कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? 24 को जवाब देंगे सभी लोग, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न साइंस का है कि दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहां पर अधिकतम होती है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहां पर अधिकतम होती है? फ्रेंड्स अगर आप लोग पेट का फॉर्म भरे हैं तभी आप लोग टेस्ट को दे रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ऊर्जा कहां पर अधिकतम होती है? किनारों की स्थितियों पर जो है सर्वाधिक होती है ऊर्जा। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह है किसका नियम? संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रभावित होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे रेडियो समस्थानिक है और यहाँ पे इलाज है, तो चलिए सभी लोग मिलान कीजिए इसमें। 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समय चाहिए आंसर सोचने के लिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए है, कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के लिए है, उसके बाद आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए है, उसके बाद सोडियम 24 जो है रक्त व्यतिक्रम के लिए है। तो इसका देखिए ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
अशुद्ध रक्त हृदय में आता है दाहिने अलिंद से, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताएगा, और ऐसे ही डेली टेस्ट के वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।